शहर में वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश और झालाबारी। एबिट रोड, लक्ष्मी चौक, मॉल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, इतराफ में मूसलाधार बारिश। गुलबर्ग, शालीमार, बंद रोड, सब्जाजार, अलामा इकबाल टाउन और बरकत मार्केट समेत मुल्हिका इलाकों में बादल खुलकर बरसे। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 20 मिलीमीटर रिकॉर्ड, गुलबर्ग में 12, जेल रोड पर 8 मिलीमीटर, मुगलपुरा और फरुखाबाद में 3 मिलीमीटर बारिश हुई। मॉडल टाउन और बरकत मार्केट में शदीद बारिश और झालाबारी। आज सारा दिन वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। बारिश का स्पेल कल तक जारी रहने की पेशगोई। तेज बारिश और ठिठरती हवाओं से सर्दी में इजाफा। सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। बारिश आई, बिजली गई, लेस्को के 70 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। गुलशन रावी, राजगढ़, सांदा, समनाबाद, गढ़ी शाहू, एबिट रोड, शिमला पहाड़ी और हरबंसपुरा में बिजली गायब। बारिश रुकते ही बिजली बहाली का काम होगा, लेस्को हुकाम। नैब में गिरफ्तार अब्दुल अलीम खान की आज एहतसाब अदालत में पेशी। नैब हुकाम 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे। एहतसाब अदालत के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुन पहुंच गए। शुएब सदीकी, मेहर वाजिद अजीम भी मौजूद। अदालतों पर मुकम्मल यकीन है। अलीम खान के तमाम असासे मुकम्मल तौर पर डिक्लेयर हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी सख्त, पुलिस की भारी नफरी तैनात। कारदार तारे लगाकर अदालत जाने वाले रास्ते बंद। एमयू कॉलेज से पीएनडी चौक तक सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। लॉयर मॉल की दोनों सड़कें एमयू कॉलेज चौक से सील। बारिश के बाद रास्ते भी बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किल। सानहा साहिवाल में अहम पेशरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब से 48 घंटों में मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म के मुतमईन ना होने पर जुडिशल कमीशन बनाने की सिफारिश की जाएगी। वफाकी हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेगी। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की सरबराही में दो रुकनी बेंच दरख्वास्तों की समाअत आज करेगा। आईजी पंजाब और जीआईटी सरबराह की भी तलबी। सानहा साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। खलील के बाद जिशान के भाई एहतशाम ने भी हाईकोर्ट से रजू कर लिया। दरख्वास्त आए, हमें इमदाद की जरूरत नहीं, कातिलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। दरख्वास्त गुजार। सानहा साहिवाल की तहकीकात जारी। गिरफ्तार एहलकारों के जेर इस्तेमाल असलहा फॉरेंसिक एजेंसी में जमा। असलहे में 4 राइफलें और 3 9mm पिस्तौल शामिल। नवाज शरीफ का सर्विसेज अस्पताल में छठा रोज। साबिक वजीर आजम का पीआईसी की बजाय वापस जेल भेजने पर इसरार। मरियम नवाज भी वालिद को राजी ना कर सकी। नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल में ही रहेंगे। पीआईसी के डॉक्टर सर्विसेज अस्पताल आकर उनका मुआयना करेंगे। तर्जुमान वजीर आला शहबाज गिल।